भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा 11वें दिन बुधवार को शहर के प्रसन्न गणपति मंदिर से पूजा अर्चना कर सुरजपुल गेट, तेया चौक, बालाजी की खिड़की, तेलियान चौक पर, माल्यान चौक पर, राजा साहब की दुकान, मुंह बोले महादेव, चंदू पान भंडार, पीपटी चौराहा, भंवरलाल गोठी स्कूल, कुमावत भवन, शिव मंदिर, वाल्मीकि बस्ती, भैरव चौक से होते हुए जटिया कॉलोनी पहुंची। इस दौरान शहर में पत्रक वितरण किए गए। इस मौके पर पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष देवीशंकर भुजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। भुजरा ने आरोप लगाया कि ब्यावर क्षेत्र की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। क्षेत्र में हत्या, लूट तथा चोरी की वारदातें बढ़ गई है और क्षेत्र में कई माफिया गैंग सक्रिय है। गरीब मजदूर व किसान की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, महाराणा प्रताप मंडल यात्रा संयोजक वृद्धराज शर्मा, आशापुरा माता मंडल संयोजक जितेंद्र कावड़िया, यात्रा सह संयोजक शिव प्रकाश सामरिया तथा अनुसूचित जाति मोर्चा देहात जिलाध्यक्ष चेतन गोयर ने भी आमजन को संबोधित किया। यात्रा के दौरान महामंत्री संतोष जागर, सत्येंद्र यादव, प्रमोद शर्मा, मुकेश खावरी, नवल मुरारका, पार्षद रवि चौहान, तिलोक शर्मा, मुनि देवी गहलोत, अंगद राम अजमेरा, हंसराज शर्मा, नीरू महेंद्र चौहान, मूल सिंह राजपुरोहित, नटवर अरोड़ा, अशोक गोयल, साधना सारस्वत, रमेश तकदी, महेंद्र गौर, दिनेश भाटी तथा हनुमान जांगीर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल थे।